हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान फूड जब से हम बताना चाहते हैं, देखिए 2500 के रेंज में गया था, उसके बाद जो है कि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए हम सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हम बताना चाहते हैं प्लीज़ इसको होल्ड करें, कोई बुरी कंपनी आप नहीं होल्ड करके रख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए हम फटाफट सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, करना क्या चाहिए। हम चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले देखिए इनका मार्केट कैप दिखाना चाहते हैं। देखिए 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि रिस्क की पॉइंट क्या है, कि देखिए मार्केट कैप बहुत छोटा है। छोटा होने का मतलब क्या है, देखिए जिस दिन तेजी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत खुश, बहुत अच्छा। जिस दिन मंडी आती है ना, देखिए अभी इस समय क्या है, कंसोलिडेट फेस कर रहा है, जो कि हम आपको बता दें, देखिए 1888 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, 2489 रुपये 2500 के आसपास बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। जिनको ऑरिजिन करना है अभी प्लीज़ बचे, जो Q4 के रिजल्ट एक बार आप स्टडी कर लें। पी जो है 91 का है, बुक वैल्यू 110 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे नहीं करती। ROC जो है कि इनका 17 का है, ROE जो है 17 के आसपास ही है, फेस वैल्यू इनका 10 का है। चलिए कंपनी के सबसे पहले सेल्स को चेक कर लेते हैं। मार्च 2019 देखिए 150, 172, 200, फिर 250, फिर 200, फिर 300, फिर उसके बाद 350 के माफ़ करना 450, फिर जो है कि 500, 550, फिर 450, 450, फिर जो है कि उसके बाद फिर 450, फिर 550, 550 के आसपास देखिए सेल्स है। देखिए सेल्स कंपनी कर रही है, तो इसलिए जो है कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली वो मेंटेन कर लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देगा, देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 4 नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, फिर उसके बाद 8, फिर 13, फिर 11, फिर 11, 11, 12, 13। देखिए दोस्तों, अभी क्या है, उसी रेंज में चल रही है कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स और डाउन नहीं है। तो दोस्तों, इनके जो है मार्च में, हम मार्च 2010 से इनके एक बार PNL को चेक कर, देखिए मेन क्या है, इंपॉर्टेंट PNL ही किसी कंपनी का चेक करना होता है, न कि क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए जो है 3, 4, 7, 6, 3, 17, 24, 38, 139, फिर 400, 500 के आसपास, फिर 700, फिर 800, 900 के आसपास, माफ़ करना 1300, फिर 1900। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है नेट प्रॉफिट इनका देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट पहले कंपनी लॉस लॉस, फिर 2, फिर 1, 1, फिर देखिए कंपनी कैसा कंसिस्टेंसी, मतलब 6, फिर 12, फिर 23, फिर 36, फिर 47। देखिए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, देखिए अभी क्या है, कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, अभी जब भी तेजी आएगी तभी रिटेल इन्वेस्टर जाएंगे बाइंग करने, वहाँ ट्रैप होंगे। हम इतना ही बताना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया वो चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक उठा सकते हैं। देखिए, और जिनको भी अभी मान लीजिए बहुत हैवी अमाउंट लगाना है, प्लीज़ उसके Q4 के रिजल्ट एक बार देख ले, तभी जाके आप जो है डिसीजन ले लेना। देखिए दोस्तों, कंपनी का मेन रिस्क पॉइंट क्या है, देखिए कंपनी के पास मात्र 225 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, बोरिंग जो है 250 करोड़ के आसपास है, जो कि देखिए एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। देखिए अभी क्या है कि हर क्वार्टर में जो है, देखिए 2000 हर साल जो है कि 5, 32, फिर 98, फिर 164, फिर 200, फिर 250। देखिए उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट मत फंसा देना। क्या है कि हर बार जो है कि डेट को रिड्यूस मतलब करने की बजाय जो है कि ग्रो कर रहे हैं उसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है कि हम आपको बताना चाहते, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए क्या हुआ है कि प्रमोटर को अपने कंपनी पे कितना फेथ है, मतलब आप देख सकते हैं। देखिए प्रमोटर ने जो है 64.85% का जो है कि स्टेक कर लिया है, मतलब उनके स्टेक को देखिए, उनके शेयर को क्या लगता है, मतलब कि जिस प्राइस पे गया था प्रमोटर ने जो है कि एक्युमुलेट कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए FIs ने जो है कि माल को बेच दिया है मेन। दूसरा, तीसरा आपको बताया, देखिए DIs ने जो है कि सेल कर दिया, DIs ने भी मेन, पब्लिक जो है कि पब्लिक ने भी सेल कर दिया। लेकिन देखिए सारे लोगों ने बेचा, लेकिन ये तीनों लोगों ने जब बेच दिया तो खरीदा किसने, प्रमोटर ने। देखिए दोस्तों, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कैसे स्टॉक में अपने को बनाए रहना है। जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, जिनके पास भी है प्लीज़ होल्ड करें, लॉस में तो आपको नहीं बेचना है मेरे हिसाब से। चलिए इनके एक बार चार्ट पे भी आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हम आ गए हिंदुस्तान फूड के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहते, देखिए MSC पे तो क्या है, अभी अभी जस्ट लिस्ट हुए हैं, लेकिन BSC पे इनका बहुत पुराना चार्ट पैटर्न है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी, इतना बताना चाहते। देखिए एक बार इनका हम देखिए, 5 दिन में कंपनी जो है कि कुछ इतना परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है, लेकिन इतना ही बता, देखिए एक सडनली स्पाइक आता है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए कभी भी ये स्पाइक आ सकता है, आप इसके लिए अलर्ट रहें, तैयार रहें। देखिए 5 दिन का, माफ़ करना 1 महीने का देख लेते हैं। 1 महीने देखिए कंपनी 3.75% के आसपास जो है डाउन है, मतलब इतना ही बता, देखिए उसी रेंज में चल रही, मतलब 1900 से 2000 को लेवल को अभी तक ये तोड़ नहीं पा रही है। बीच में देखिए, हम आपको दिखाना चाहते, बीच में जो है कंपनी जो है कितने पे गई थी, 2500, 2600 का, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जो है फंसे हुए हैं 2400, 2500 के आसपास। तो हम उनको बताना चाहते हैं प्लीज़ जो है कि इसको होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार इनका देखिए एयरटेल डेट में जो है अभी तक, मतलब 3 से 4 महीने हम कंपनी देखिए उसी के नीचे चल रहे हैं। इतना ही बता, देखिए बहुत ज़्यादा हैवी गिरावट नहीं है, हम इतना ही बता अच्छा से। देखिए अभी तक कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। चलिए 1 साल का एक बार देख लेते हैं। 1 साल में कंपनी देखिए 6.75% जो है कि डाउन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ भी जो है कि 1 साल से भी कंपनी मेन 2000 के नीचे ही चल रही है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आई थी, उसके बाद जो है डाउन है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है कि देखिए 5 साल का रिटर्न देख रहे थे, 5 साल में 400% कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और मेन सबसे खास बात क्या है कि देखिए कंपनी में जो है अभी तक के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से गिरावट होनी चाहिए 400-500% के बाद, तो देखिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी में जो है कि इस हिसाब से गिरावट नहीं दिख रहा है कि जो कि चलते चलते बहुत सडनली स्पाइक हो, मतलब कि डाउन ट्रेंड आ जाए। हम इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए ऐसे स्टॉक में अपने को बने रहना है। अभी क्या है, कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद जो है कंपनी एक प्रॉफिट में आएगी। देखिए 2019 में जस्ट कंपनी जो है कि NSE के ऊपर लिस्ट हुई है, BSE पे इसका बहुत पुराना चार्ट पैटर्न, चाहे तो आप जाके देख लीजिए। देखिए दोस्तों हम इतना बताएं, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया आपको जो है, जिनको होल्ड करना है, हम इतना बताना चाहते हैं प्लीज़ इसको लॉस में तो मत बेचना। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।